गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11, सब्जेक्ट बीएसटी और टॉपिक है हमारा साझेदारी। पिछले वीडियो में आपने साझेदारी का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था तथा साथ ही साथ हमने साझेदारी के दो प्रकार भी पढ़ाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साझेदारी के गुण व दोष। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदारी के गुण। पहला पॉइंट है साझेदारी की स्थापना एवं समापन सर। साझेदारी फर्म में क्या होता है, जो संभावित साझेदार होते हैं उनके बीच क्या होता है, एक समझौता होता है जिसको हम कहते हैं अनुबंध। इन लोगों के बीच में क्या होता है, साझेदारों के बीच में क्या होता है, अनुबंध होता है। उसी के आधार पर वो क्या करते हैं, इस साझेदारी फर्म या व्यवसाय को चलाते हैं और जो लाभ हानि होता है वो उसी के अनुसार बांटते हैं तथा साथ ही साथ इसमें पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। इसलिए इसकी स्थापना कैसी है, सरल है तथा साथ ही साथ इसे आसानी से भी बंद किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब साझेदारी के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई कानूनी औपचारिकताएं जो होती है वह कम होती है। मान लीजिए जिस प्रकार एकाकी व्यापार में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं होता है, उसी प्रकार इसके अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होता है। यानी इसकी स्थापना में जो होता है वह कैसा होता है, व्यय कैसा होता है, कम होता है। इसीलिए कहा गया है कि इसकी स्थापना सरल होती है और इसको आसानी से इसको क्या कह रहे थे, साझेदारी को बंद किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा स्थापना और सरल। एक बार पुनः समझ लीजिए, इसकी स्थापना सरल क्यों है, क्योंकि साझेदारी फर्म में साझेदारों के बीच किसके आधार पर चलाई जाती है, समझौते के आधार पर चलाई जाती है, उसी के आधार पर लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। इसमें पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई औपचारिकता है, कानूनी औपचारिकता जो होती है वो कम होती है। जैसे एकाकी व्यापार में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसी प्रकार साझेदारी के अंतर्गत भी किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें व्यय कम होता है, इसीलिए इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है और बंद किया जा सकता है। सेकंड देखिए हमारा संतुलित निर्णय। साझेदारी के अंतर्गत जो साझेदार होते हैं वो सब जितने भी साझेदार होते हैं वो सबके अलग अलग अनेक गुण वाले होते हैं, अनेक गुण, और सब में जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, भिन्न। यानी सब में अपनी अपनी क्या होती है, विशेषताएं होती है। इसी विशेषताओं के आधार पर वो क्या कहते हैं, संस्था के अंतर्गत क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं। या यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी अपनी विशेषता के अनुसार क्या करता है, अपना अपना कार्य देखता है। एक व्यक्ति विभिन्न कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता है तथा इससे निर्णय लेने में भी क्या होती है, गलतियां कम होती है। जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी अपनी विशेषताओं के आधार पर अपना कार्य देखते हैं और उसी के निर्णय अपने को देते हैं, जिससे गलतियां भी कम होती है। या यूं भी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत साझेदार जो होते हैं वह साझेदार क्या करते हैं, आपस में मिलकर अपनी राय से क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। या उनमें से कोई एक व्यक्ति क्या करता है, निर्णय लेता है, तो वह निर्णय कैसा होता है, संतुलित निर्णय होता है। अतः कहा जाता है कि एक साझेदारी के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह कैसे होते हैं, संतुलित होते हैं। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, अधिक कोष। साझेदारी में पूंजी कई साझेदारों लगी जाती है, जबकि एकाकी व्यापार में तो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, इसलिए पूंजी की मात्रा कैसी होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पर जो होती है वहां पर दो या दो से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां पर कोष भी क्या हो गई, यहाँ पूंजी भी क्या हो गई, अधिक हो गई। यानी यहाँ साझेदारों की संख्या अधिक होती है तो पूंजी या कोष भी कैसा होता है, अधिक होता है। और इनके जो अन्य व्यक्ति उसे जो भी हम कोष इकट्ठा कर सकते हैं वो भी क्या हो सकता है, अधिक मात्रा में इकट्ठा किया जा सकता है या एकत्रित किया जा सकता है। तो कहा जाता है कि एकाकी व्यापार में कोष कैसा होता है, अधिक होता है। तीसरा देखिए, जोखिम को बांटना। जोखिम को बांटना, एकाकी व्यापार की तुलना में इसमें जोखिम कम होती है, क्योंकि एकाकी व्यापार में जितनी भी जोखिम होती है उसको स्वयं को वहन करनी पड़ती है। जबकि इसके अंतर्गत सिर्फ परिभाषा में बताया था कि दो या दो से अधिक, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो इसके अंतर्गत दो या दो से
जाती है, बढ़ जाती है। इन लोगों में क्या होती है? जोखिम बढ़ जाती है, यानी जोखिम कैसी होती है? कम होती है, क्योंकि इसमें जितने भी साझेदार होते हैं उनमें सभी साझेदारों में जोखिम की मात्रा कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। अकेला साझेदार पर कोई भी किसी भी प्रकार का बोझ, तनाव या दबाव नहीं होता है। किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता है, बोझ नहीं होता है या दबाव कह दीजिए तो कैसा होता है? कम हो जाता है, क्योंकि जोखिम क्या है? बढ़ जाता है। अगला देखिए, पांचवा पॉइंट, गोपनीयता। जिस प्रकार एकाकी व्यापार के अंतर्गत गोपनीयता बनी रहती है, उसी प्रकार साझेदारी के अंतर्गत भी गोपनीयता बनी रहती है। जो भी इनके खाते होते हैं, उनको प्रकाशित नहीं किया जाता। जो भी इनके खाते होते हैं उन खातों को क्या है? प्रकाशित नहीं किया जाता। जो ब्यौरा होता है वो कानूनी रूप से आवश्यक नहीं होता देने के लिए, इसीलिए इनके संबंध में क्या जो सूचना होती है, वो सूचना कैसी होती है? गुप्त होती है। या कहने का मतलब फर्म के जितने भी खाते होते हैं वह जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करने पड़ते हैं, वह अपने तक ही क्या कर सकते हैं? सीमित रखते हैं। तो ऐसी सूचनाएं क्या रहती है? गोपनीयता बनी रहती है। तो साझेदारी के अंतर्गत भी क्या होती है? गोपनीयता बनी रहती है। अगला देखिए, ये तो हो गए हमारे साझेदारी के गुण। अब देखिए साझेदारों, साझेदारी के दोष। पहला है असीमित दायित्व। पहले भी मैंने समझाया था कि साझेदारी के अंतर्गत जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व कैसा होता है। विशेषता में मैंने बताया था संयुक्त भी होता है और पृथक भी होता है, दोनों रूप से वो क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। कैसे? अगर किसी प्रकार के ऋण वो लेते हैं और ऋणों का भुगतान करने में वह असमर्थ होते हैं, असमर्थ होने का मतलब अगर उनकी जो परिसंपत्तियां होती हैं व्यवसाय की वह कम पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में साझेदार क्या कर सकता है या जो देनदार है वो क्या कर सकता है? साझेदार की निजी संपत्ति का भी प्रयोग कर सकता है, यानी उसकी निजी संपत्तियों से क्या कर सकता है? ऋणों का भुगतान कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई ज्यादा पैसे वाला वाला साझेदार है और कम पैसे वाला साझेदार अगर उसका भुगतान नहीं कर सकता है, तो वो अधिक पैसे वाले साझेदार से भी क्या कर सकता है? ऋणों का भुगतान कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि साझेदारी के अंतर्गत साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? संयुक्त और पृथक होता है। एक बार पुनः मैं समझा रही हूँ इसको। ऐसे भी दायित्व होता है साझेदारों का, क्यों होता है? क्योंकि उसके अंतर्गत एक साझेदार, साझेदारी फर्म के अंतर्गत संयुक्त रूप से और पृथक रूप से क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। अगर वह ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है, या कहने का मतलब ऋणों का भुगतान करने में उनकी अगर परिसंपत्तियां कम हो जाती है संस्था की फर्म की, तो वह देनदार क्या कर सकता है? उस साझेदारी की निजी संपत्ति का प्रयोग करके उन ऋणों का भुगतान कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर किसी दो साझेदार हैं, दो में से किसी के पास अधिक धन है, तो उस साझेदारों से भी क्या कर सकता है? वह अपनी उस ऋणों का भुगतान भी कर सकता है, वो साझेदार उस ऋणों का चुका भी सकता है। तो वह कहलाता है हमारा असीमित दायित्व। सेकेंड देखिए, सीमित साधन। सीमित साधन, साझेदारी व्यवसाय में वित्तीय संसाधन साझेदार की व्यक्तिगत पूंजी तथा ऋण लेने की क्षमता तक सीमित है। कहां तक सीमित है? व्यक्तिगत पूंजी, जैसे एकाकी व्यापार में था, और ऋण लेने की क्षमता तक क्या है? सीमित है। व्यक्तिगत पूंजी व ऋण लेने की क्षमता तक क्या है? सीमित है। इसीलिए वो बड़े पैमाने पर कार्य करने पर उनके लिए जो पूंजी होती है वह पूंजी कैसे होती है? अपर्याप्त होती है। यानी एक कहने का मतलब वो साझेदारी का ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता है, बोला विस्तार व्यवसाय का विस्तार करने के लिए उनके पास पर्याप्त ऐसी स्थिति में, या यूं कह सकते हैं हम लोग कि साझेदारी के अंतर्गत भी साझेदारों की संख्या सीमित होती थी। मैंने बताया था सामान्य में 20 और बैंकिंग में कितनी होती है 10। तो
तो ऐसी स्थिति में ये संख्या कैसे होती है, सीमित होती है, तो साधन भी कैसे हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे, क्योंकि कहाँ पर निर्भर, व्यक्तिगत पूंजी और ऋण लेने की क्षमता पर। तो ऐसी स्थिति में अगर साझेदार का विस्तार करना पड़ता है तो वहां पर ये वित्तीय साधन कैसे हो जाते हैं हमारे लिए, अपर्याप्त पड़ जाते हैं और साझेदारी का हम विकास नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, तीसरा पद देखिए, परस्पर विरोध की संभावना। साझेदारी की सफलता किस पर निर्भर करती है, सूझबूझ पर, विश्वास पर, सहयोग पर निर्भर करती है। परंतु किस पर निर्भर करती है साझेदारी की सफलता हमारी, विश्वास पर, सहयोग पर और सूझबूझ पर। इस पर क्या करती है साझेदारी की सफलता निर्भर करती है। लेकिन यदि व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्तियों की संख्या यानी साझेदारों की संख्या क्या है अधिक होती है तो वहां पर परस्पर क्या होता है, समन्वय नहीं होता है, विरोध होता है और लड़ाई झगड़ा या उसकी संभावना अधिक होती है। तो अतः कहा जाता है कि साझेदारी के अंतर्गत परस्पर विरोध की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जहां पर अधिक व्यक्ति होंगे वहां पर उनके विचारों में समानता नहीं होगी, फलस्वरूप क्या होगा, झगड़े होने लग जाएंगे, समन्वय का अभाव हो जाएगा और कई बार तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि साझेदारी व्यवसाय को असमय ही बंद करना पड़ता है। तो वह कहलाता है परस्पर विरोध की संभावना। एक बार पुनः देखिए इस पॉइंट को, साझेदारी की सफलता है वह सफलता विश्वास, सहयोग और सूझबूझ पर निर्भर करती है। लेकिन साझेदारी के अंतर्गत क्या होता है, अधिक व्यक्ति होते हैं, तो व्यक्ति अधिक होते हैं तो वहां पर क्या होता है, विचार जो होते हैं वह समान नहीं होते, कैसे होते हैं, असमान होते हैं। और जब विचार असमान होते हैं तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि हमें साझेदारी को भी क्या करना पड़ता है, असमय ही बंद करना पड़ता है। अतः कहा जाता है कि यहाँ पर परस्पर से विरोध की संभावना बनी है। अगला पॉइंट देखिए, निरंतरता की कमी। निरंतरता की कमी कैसे, मान लीजिए अगर दो व्यवसाय है, दो साझेदार है और एक की अगर मृत्यु हो जाती है या पागल हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या बीमार हो जाता है या किसी कारणवश उसे बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, उसकी निरंतरता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अतः कहा जाता है कि साझेदारी का अस्तित्व बहुत अनिश्चित होता है। यदि किसी फर्म में कोई साझेदार, दो ही साझेदार हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, उसकी निरंतरता में कमी हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, जनसाधारण के विश्वास में कमी। जनसाधारण के विश्वास में कमी क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने गुण वाला पॉइंट जो बताया था आपको, इसमें गोपनीयता रहती है, यानी जो इनके जो खाते होते हैं, फर्म के जो खाते होते हैं उन्हें क्या नहीं किया जाता है, प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनता में क्या होती है, विश्वास की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, उन्हें लगता है कि कहीं हमारा पैसा लूट न ले जाए या हमारा पैसा गलत कार्यों में लगा नहीं रहा हो। ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, इसको विश्वास नहीं रखते हैं और वह लोग इनको ऋण देने में कम विश्वास रखते हैं, क्योंकि इनके खातों को प्रकाशित नहीं होता है, इनका लेखा जोखा जो होता है उनको प्रकाशित नहीं किया जाता है, इसीलिए जनता में इसमें क्या बना रहता है, विश्वास की कमी बनी रहती है। यह हो गए आपके साझेदारी के गुण और दोष। अब आगे देखिए, साझेदारी और एकाकी व्यापार में अंतर। पहला है सदस्यों की संख्या। मैंने आपको पहले बताया था विशेषता में कि सामान्य जो साझेदारी होती है उसमें कम से कम कितने, 20, और जो बैंकिंग साझेदारी, बैंकिंग के अंदर जो होती है उसमें कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, 10 सदस्यों का होना आवश्यक है, न्यूनतम तो 2 और अधिकतम कितने हो गए, 10। आप आगे भी लिख सकते हैं, न्यूनतम तो 2 होने ही, साझेदारी अगर 1 होता है तो एकाकी व्यापार, तो न्यूनतम तो कितनी हो गई इसमें, दोनों में 2-2 और अधिकतम कितनी हो गई, 10, 20 और 10। जबकि एकाकी व्यापार के अंतर्गत
एक ही व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, व्यवसाय या व्यापार को किया जाता है। अब देखिए पूंजी कितने व्यक्ति लगाएंगे, दो या दो से अधिक, या तो दो व्यक्ति होंगे तो उन दोनों के द्वारा पूंजी लगाई जाएगी, या उनसे अधिक होंगे तो उनके द्वारा क्या लगाई जाएगी, पूंजी। या पूंजी पर अधिकार किसका होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, जबकि इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति का पूंजी का अधिकार होता है, क्योंकि वही पूंजी लगाता है। लाभ हानि समझौते के आधार पर, जो भी अनुबंध है उसके आधार पर या बराबर के आधार पर क्या बटा जाता है, लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है जितने, और इसके अंतर्गत लाभ हानि केवल एक ही व्यक्ति वहन करता है। क्या करता है, एक ही व्यक्ति लाभ हानि को वहन करता है। अब देखिए प्रबंध, सभी साझेदार, सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा, एक के द्वारा क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। जबकि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति होता है तो वही क्या करता है, स्वामित्व भी वही करता है और प्रबंध भी वही व्यक्ति करता है। ठहराव यानी समझौता या अनुबंध, तो साझेदारी के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ठहराव और अनुबंध होता है वह कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए या कह सकते हैं गर्भित होना चाहिए। और जबकि इसके अंतर्गत अनुबंध संबंधी कोई प्रश्न ही नहीं होता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है तो किसी प्रकार का अनुबंध या ठहराव नहीं होता। अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, पूरा लिखना है आपको यहाँ पे, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होती है। और जबकि इसके अंतर्गत किसी इस प्रकार का कोई प्रश्न या इस प्रकार की कोई अधिनियम लागू नहीं होता है। पंजीकरण इसका भी अनिवार्य नहीं है, पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है लेकिन अगर करा दिया जाए तो वो क्या होता है, लाभदायक होता है। और इसमें पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है। पंजीयन नहीं होता। तो ये है एकाकी व्यापार और साझेदारी में, एक बार वापस देख लीजिए, साझेदारी की सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 और 20, बैंकिंग के अंतर्गत न्यूनतम 2 और 10, और इसमें सदस्यों की संख्या 1। पूंजी, दो या दो से अधिक व्यक्ति का ही अधिकार होता है, दो से, क्योंकि दो या दो से अधिक जितने साझेदार उतनी पूंजी लगाते हैं तो उन्हीं का अधिकार होता है, एक व्यक्ति होने के कारण इसमें पूंजी पर अधिकार उसी का ही होता है। लाभ हानि अनुबंध के आधार पर, समझौते के आधार पर या पूंजी के आधार पर या आपसी सहमति के आधार पर क्या किया जाता है, लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। इसमें एक ही व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति लाभ वहन करता है वही हानि वहन करता है। प्रबंध, सभी साझेदारों द्वारा या उनमें से किसी एक की सहमति के द्वारा या उनमें से सबकी सहमति से किसी एक की साझेदारी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है। इसमें एक ही व्यक्ति होता है, इसमें स्वामी भी वही करता है और प्रबंध भी वही करता है। अनुबंध या ठहराव कैसा होना चाहिए, स्पष्ट या गर्भित होना चाहिए, इसमें ठहराव का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, अकेला व्यक्ति होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यहाँ पर क्या होता है, लागू होता है और वहां पर कोई किसी प्रकार का अधिनियम लागू नहीं होता है। पंजीयन यहाँ पर अनिवार्य नहीं है लेकिन अगर करा दिया जाता है तो वो कैसा होता है, लाभदायक होता है और इसमें पंजीयन नहीं होता है। तो ये है हमारे एकाकी व्यापार और साझेदारी में अंतर। तो आपको ये कॉपी में साझेदारी के गुण, दोष और दोनों में अंतर
ये अपनी नोट्स अपनी कॉपियों के अंतर्गत कंप्लीट करने हैं। और आज का जो क्वेश्चन बनता है वो है साझेदारी की गुण व दोष को समझाते हुए दोनों में अंतर को स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।